ये 5 दिन के बाद का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। 5 दिन के बाद पानी एकदम क्लियर है। अभी मैंने फिल्टर वगैरह सब बंद कर दिया है और डेकोरेशन भी हमने चेंज कर दिया। देखिए डेकोरेशन हमने पहले क्या हम रखकर छोड़ दिया, जब से हमने ब्रॉन्ज किया ये कॉरिडोर लाकर डाला है, उनके लिए हाइडिंग प्लेस जरूरी होता है, इसलिए हमने एक हाइडिंग प्लेस डाल के सैंड वगैरह बीच में रख के हमने एक हाइडिंग प्लेस बना दिया प्रॉपर, ताकि ये लुक अच्छा है। और 3 गोल्डफिश हैं अभी फिलहाल इसके अंदर और 4 ब्रॉन्ज जो है कोलोरा से। पिछली बार हमने वीडियो अपलोड किया था, 2 वीडियो अपलोड किए थे, क्योंकि हमने सेटअप करने के दूसरे दिन बाद ही हमने उसको शूट कर लिया था, और प्रमोशन की वीडियो होने की वजह से, शॉप की वीडियो होने की वजह से हमने उसको डिले करके बहुत दिन के बाद अपलोड किया, तो लोगों को लगा कि वो पानी 4 दिन 5 दिन के बाद भी क्लोडी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, कारण कुछ अलग है, आप कुछ अलग समझ रहे हैं। अभी 5वां दिन। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं अपडेट देने वाला हूँ, गोल्डफिश का बहुत सारे चेंजेस हुए। लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाला था, 2 वीडियो डाला था मैंने, एक तो टोटल कॉस्ट ऑफ गोल्डफिश टैंक एक वीडियो डाला था, उसके बाद मैंने और एक गोल्डफिश का टैंक का 2-3 वीडियो डाले थे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग, हाँ मैंने उसमें कोरिडोर डाले थे, और साथ में मैंने एक और एक वीडियो बनाया था टोटल कॉस्ट ऑफ गोल्डफिश टैंक, उसमें पूरी टैंक जो क्लोडी लग रही थी। क्यों रीज़न बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपका सम बराबर काम नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, टैंक क्लोडी नहीं है, इवन 5-6 दिन के बाद भी ऐसा लग रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप गौर से सुनना। हम जब टैंक सेटअप किए थे उसके दूसरे दिन ही हमने वो कोरिडोरस का ऐड किए थे, तो हमने कोरिडोरस का वीडियो दूसरे दिन ही बना लिया, फिर उसी दिन ही हमने वीडियो बनाया टोटल कॉस्ट ऑफ गोल्डफिश टैंक। तो हम सेम डे टैंक जो दूसरे सेकेंड डे ही हमने उसको टैंक वीडियो शूट किया, जिसके कारण आपको लगा कि वो क्लोडी, हालांकि हमने उसको लेट डिलीवर किया, मतलब लेट अपलोड किया, क्योंकि बीच में प्रमोशन की वीडियो आते हैं, शॉप के वीडियो आ जाते हैं, स्टोर के वीडियो आते हैं, और सिर्फ एक टैंक की वीडियो नहीं डालता हूं मैं, बहुत सारे पेट्स के भी वीडियो डालता हूं, फिशेस के वीडियो डालता हूं, जिसके कारण ये बैक टू बैक नहीं आए, थोड़ा टाइम 4-5 दिन गैप लेके हमने वो वीडियो डाला। हालांकि पहले ही हमने शूट कर लिया था, लेकिन लेटली अपलोड करने की वजह से लोगों को ऐसा लगा कि वो टैंक एक्चुअली क्लोडी ही है और वो टैंक क्लीन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए अब ये आज जो वीडियो मैं ले रहा हूँ तकरीबन 5वां दिन है, ये जो टैंक हमने सेटअप किया है टैंक सेटअप करने के 5वें दिन का बाद ये वीडियो, हो सकता है ये वीडियो और भी लेट आए, 10 दिन या 15 दिन के बाद वीडियो आए, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना कि कैसे हम जो है वीडियो अपलोड करते हैं, शेड्यूल करते हैं, जिसके कारण आपको वीडियो कभी कभी फर्स्ट शूट होने के बावजूद लेट अपलोड होते हैं, जिसकी वजह से अभी टैंक एकदम 5 दिन के बाद एकदम क्लियर दिख रहा है। तो अभी ये क्या हुआ, अभी पूरा टैंक एकदम क्लियर है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, अभी दूर से भी आपको नजर आ रहा होगा, मैं हिसाब से सामने से भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए हमारी फिशेस एक मरी हुई है जो हमने रिसेंटली अपलोड किया था कि वो फिशेस बची नहीं, बाकी 3 फिशेस हैं, और थोड़ा हमने चेंजेस भी किया, पहले हमने उधर उधर डाल दिए थे, थोड़ा बहुत डेकोरेशन के लिए हमने कॉरिडोर डाला था, उसके लिए कॉरिडोरस के लिए हाइडिंग प्लेस चाहिए था, सेंटर में हमने एक ड्रम रखा जो आर्टिफिशियल आता है, उसमें रखने के बाद हमने एक सैंड वगैरह देखे सेंटर में रखा हमने, ताकि एक लुक आए। तो अभी मैं खरीद से दिखाना चाहता हूँ टैंक को, आप खुद जज कर सकते हो कि टैंक क्लाउडी है या नहीं, क्योंकि अभी देखिए सैंड आप देख रहे हो, दूर से भी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कितना क्लीन और क्लियर लग रहा है। ये 5th डे ऑफ टैंक सेटअप है, आप कन्फ्यूज मत होना, हो सकता है ये वीडियो जो है 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद आएगा, लेकिन हम टाइम जैसा मिलता है उसके हिसाब से हम वीडियो शूट कर लेते हैं, वीडियो बाद में कभी कभी लेट अपलोड करते हैं। अभी देखिए पानी कितना क्लियर है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे आपका सम फिल्टर ख़राब है, आप ये जो आपने सम फिल्टर डिज़ाइन किया बराबर काम नहीं कर रहा है, फिल्टर नहीं कर रहा है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है, आप जो समझते हैं वो अलग है, हम जो करते हैं वो अलग है, हम पहले ही वीडियो डाल देते हैं, पहले ही वीडियो शूट कर लेते हैं, एक ही दिन में 2-3 वीडियो शूट कर लेते हैं, और कभी कभी इसको डिले करके बहुत लेट अपलोड करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये वीडियो आज ही का है जिसकी वजह से अभी क्लाउडी लग रहा है। तो देखिए अभी पानी कितना क्लीन है, अभी सैंड देखकर आप मालूम कर सकते हैं, और वही पानी हमने चेंज नहीं किया, वही पानी है, और फिल्टर भी अच्छे से काम कर रहा है, और यहाँ पर मैंने थोड़ी पन्नी डाल दी है जो पहले बहुत एकदम ब्राइटनेस ज़्यादा था, तो मैं यहाँ पिंक कलर की पन्नी डाल दी है, जिसकी वजह से फिशेस का भी कलर थोड़ा अच्छा लगेगा और क्लोडिनेस भी थोड़ा कम हो गया है। और अभी जो नया अपडेट है यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सैंड का थोड़ा डेकोरेशन ऐसा कर लिया, पहले वहाँ वहाँ रख दिया था, और अभी मैंने सेंटर में रख दिया है, और हमने कॉरिडोरस डाला हुआ है वो ब्रॉन्ज कॉरिडोरस है, बहुत सारे लोग लास्ट में पूछ रहे थे कि कौन सी कॉरिडोरस है करके, एक्चुअली इसका नाम ब्रॉन्ज कॉरिडोरस है, और हमने उसको लिए हाइडिंग प्लेस ऐड किया है, कभी कभी गोल्डफिश भी चले जाती है अंदर, क्योंकि काफ़ी बड़ी होने की से कोई दिक्कत नहीं, और हमने यहाँ पर हीटर वगैरह सब डाल दिया, बहुत हमने इसमें हीटर भी ऐड किया, देखिए हीटर भी है, फिशेस ट्रीटमेंट करने के बाद हीटर भी ऐड किया हुआ है, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई भी हमने दिया हुआ है, वो भी चला देते हैं, फिल्टर भी चला देते हैं, दोनों चलाने के बाद अभी ये टैंक देखिए ऐसा लग रहा है। अभी आप बताओ ये फिल्टर काम कर रहा है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा बढ़िया काम कर रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे आपका वीडियो देख के मैंने टैंक बना लिया लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है, भाई मेरा पैसा लॉस हो गया, भाई ऐसा कुछ नहीं है, 8-10 दिन आप चलाओगे तभी डिसाइड करोगे ना, 1-2 दिन में पूरा डिसाइड नहीं होगा। देखिए स्पॉन्ज में कितनी गंदगी फंसी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर स्पॉन्ज हमने एकदम वाइट डाला था, पूरी गंदगी यहाँ पर जाकर फंस रही है। फिल्टर अच्छे से काम कर रहा है, एकदम बढ़िया काम कर रहा है फिल्टर की कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, बस टाइम का थोड़ा ये था, डिस्टेंस था, टाइम हमने बराबर मैनेज नहीं किया,
पहले वीडियो शूट लेके बाद में डाल दी, जिसकी वजह से आपको लगा कि ये क्लोडी नहीं है, बल्कि ये क्लोडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी और एक बार आपको दिखाता हूँ पानी कितना क्लीन है। ये सैंड देखकर आप मालूम कर सकते हैं, अगर क्लीन होता तो, अगर फॉग टेप होता तो ये सैंड आपको नज़र नहीं आती थी। और हमारी, और अभी देखिए हमारे गोल्ड फिश में दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे पांडा गोल्ड फिश है ये वाली, और साथ में ये ओरंडा है जो ब्लैक एंड रेड है, और एक है ये एक्चुअली मुझे थोड़ा महंगी पड़ गई क्योंकि ये 600 रुपये के लायक भी नहीं है, फिश है 100-200 रुपये के लायक है। लेकिन वो कहते हैं ना, बकरों के झुंड में जो है कभी कभी कुत्ते भी एक जो है वो काउंट हो जाते हैं, तो ऐसा हो गया मेरा। मैंने ये ख़रीदने गया, मैंने 4 फिश ली, उन्होंने ये एक डाल दिया। हालांकि ये फिश उतनी क्वालिटी नहीं है और उतना प्राइस की वर्थ भी नहीं है, 200 में 100 में ये फिशेस शायद एक्वेरियम शॉप में मिल जाती है सेम कॉस्ट की, सेम क्वालिटी की। अभी मैं लेके आ गया, क्या करूँ, उन्होंने भी दे दिया, मैंने भी देखा नहीं, उन्होंने भी शायद लड़के ने, जिस लड़के ने पैक करके दिया उन्होंने भी गौर नहीं किया, हो जाता है। जो सबसे अच्छी फिश थी वो मर गई, और एक जो हमने ब्रॉन्स कोरिडोरस डाले वो यहाँ पे है। नीचे जो भी अनइटन फूड रहता है, जो अनइटन फूड पड़ा रहता है, लेफ्ट ओवर फूड, वो पूरा ये खा लेते हैं। देखिए चुन चुन के खाते रहते हैं, और एक दो हैं इसमें हाइडिंग हुए हैं, कहीं कहीं हाइडिंग होके रहते हैं। और ये डेकोरेशन पहले से अभी बेटर लग रहा होगा सबको, अब पहले हमने वहाँ रख दिया तो लोगों को पसंद नहीं आया था। मैं सोचा जब नेचुरली टाइप से मैं रखूँगा, ताकि जैसा नेचुरल एक में पड़ा रहते सैंड से पड़े रहेंगे, तो यहाँ पर हमने रख दिया, अभी एक थोड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको। ये सैंड जो है ग्रीन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कौन सी सैंड है, कि ये ग्रीन लैंड सैंड करके आती है वो वाली है, 10 किलो मैंने लिया है, 90 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से आती है। और ये जो लावा रॉक्स है ये 120 रुपीज़ या 70 to 120 रुपीज़, डिपेंड अपन साइज़ के ऊपर, 70 रुपीज़ से स्टार्टिंग कॉस्ट होता है 1 किलो। ये जो है टोटल मैंने 5 के किलो, मुझे भी याद नहीं है, 5-6 किलो लिया। और वो जो फीचे ये जो है ये आस्का टैंक में मैंने रखा हुआ था, उससे पहले सिटलेट टैंक में रखा हुआ था, ये हाइडिंग प्लेसेस का, वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी धूल ही पड़ जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी पानी जो है फॉगी लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धूल वगैरह पड़ी हुई है ना, वो आती कहाँ से है। यहाँ पर देखिए हमारे कबूतर भी यहीं पर हैं और हमारी चिड़िया भी इधर ही है, तो इनके कारण बहुत सारी धूल आती है, तो वो आकर कभी कभी यहाँ पर पड़ जाती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर धूल पड़ी हुई है, आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो पानी के ऊपर कैसा पड़ा हुआ है। अभी फ़िल्टर बंद कर दिया इसलिए देख पा रहे हैं, अगर फ़िल्टर बंद रहता तो फ़िल्टर के फ्लो में वो नज़र नहीं आता था। अभी आप बताओ कि टैंक क्लियर है या नहीं और क्लोडी है नहीं। और बहुत सारे लोग, जब मैंने ये टैंक का वीडियो बना रहा था, बहुत सारे लोग बोलते हैं आपकी फ्लोवान कहाँ पर है, भाई फ्लोवान यही है, वो भी कहीं गई नहीं है, इधर ही है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे है। लेकिन कभी कभी वो वीडियो में आते नहीं है, या कभी वीडियो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये था आज का अपडेट हमारे फिश टैंक का, गोल्ड फिश टैंक का। भाई और भी थोड़ा टाइम दो इसको, एटलीस्ट 5वां दिन है ये, 5वें दिन में ऐसा लग रहा है, और एक महीना दो महीना जाएगा, फिल्टर अच्छे से रन होगा, अच्छे से साइकिलिंग होगा, तो और भी ज़्यादा ये क्लियर आएगा। और साथ में यहाँ से हम ये चिड़िया और ये जो कबूतर वगैरह यहाँ से रूम से निकाल देंगे, तो धूल कम हो जाएगी, तो ये भी हमें जो थोड़ा बहुत डस्ट या वगैरह लग रहा है वो भी देखना कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे हो रहा है काम, आप एक चीज़ पर ब्लेम नहीं कर सकते कि आपका फिल्टर फेल हो गया, आपने प्रॉपर सेटअप नहीं किया, इतना इन्वेस्टमेंट किया और प्रॉपर आपने लुक आया नहीं, आपका सेटअप फेल हो गया, प्रॉपर बना नहीं है, ऐसा भाई का ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया है, फिल्टर भी अच्छे से काम करा। मेरे लोग बोले थे आप इससे अच्छा 12,000 में एक मरीन टैंक आया थी, भाई मरीन टैंक मजाक है क्या, सिर्फ उसका लाइट जो है 10-12,000 का लाइट आता है, जो उसका स्किमर आता है वो स्किमर ही 6,000-7,000 का था, उसका रेफ्रिजियम जो आता है रेफ्रिजियम ही 5-6,000 का था, भाई उसका टोटल कॉस्ट 40-50,000 होता है। ये जो मैंने किया 12,000 में बहुत कम है, अगर टेबल निकाल दो 11,000 में मैंने सेटअप किया, अगर टेबल निकाल दो, टेबल के अलावा अगर बात करें तो इसका कॉस्ट हो रहा है 11,000 में, हम 3,500 निकाल दें कितना होगा 6,500 में, ये टैंक पूरा सेटअप बना है भाई, 6,500 में टैंक इतना बना के दिखाओ, फिल्टर सिस्टम सब कुछ नहीं होगा भाई। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसा है क्या है करके। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़। तो ज़रूर कमेंट बताना कि ये टैंक कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।